840 से स्टार्ट होता है, 9% तक जाता है। अच्छा, उसमें अच्छा। जैसे सिविल रेटिंग है, हर बैंक ने अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, जिनको जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि हमें ना सरकारी बैंक से लोन लेना चाहिए या हमें प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहिए? हम लोगों का जो मैक्सिमम पीरियड बैंक देती है दैट इज फॉर 30 इयर्स। डिपेंडिंग अपॉन एज, आपकी रिटायरमेंट एज। मतलब अगर हम, मेरे पास पूरा अमाउंट है तो भी मैं कुछ अमाउंट बैंक से लोन लेके ही मैं लूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। होम लोन होता क्या है, होम लोन का टाइम पीरियड क्या होता है, होम लोन पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होता है और बाकी सारी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल अग्रवाल विनवर्ल्ड रियालिटी से आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो रियल स्टेट का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कोई भी क्वेरीज है होम लोन से रिलेटेड या वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं 100% दावा के साथ कह सकती हूँ कि आज उनकी ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। क्योंकि आज यहाँ हमारे बीच बैठे हैं फाउंडर ऑफ पीपल फाइनेंशियल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर प्रभात अग्रवाल। So, Mr. Agarwal, welcome to our show. It's our honor to have you here. Thank you. So, आज हम इनसे होम लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। होम लोन होता क्या है, होम लोन का टाइम पीरियड क्या होता है, होम लोन पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होता है और बाकी सारी बातें। तो धीरे धीरे हम सारी बातें करेंगे, इसके लिए आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो मिस्टर अग्रवाल, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वॉट इज होम लोन? होम लोन प्लॉट पे मिलता है, कंस्ट्रक्शन पे मिलता है, किस चीज पे हमें होम लोन मिलता है? होम लोन नॉर्मली जो हमें मिलता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक हम लोग लैंड खरीदते हैं या हम लोग को फ्लैट बिल्डर फ्लैट खरीदते हैं या हम होम फ्लैट लैंड लेकर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वो होम लोन में काउंट होता है। जो प्रॉपर्टी पर हमें बैंक रिबेट मिल सकता है उस पर, तो हमें इनकम टैक्स रिबेट्स मिलते हैं उस पर, तो उसको होम लोन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। So, मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा होम लोन क्या होता है, किस चीज पे मिलता है। So, मेरा दूसरा क्वेश्चन इनसे ये है कि व्हाट इज आरओआई ऑन होम लोन? आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फुल फॉर्म उसकी बात करें तो, हाँ जी, तो आरओआई जो बैंक इंटरेस्ट रेट आज के रेट में बैंक्स में 8.40 से स्टार्ट हो रहे हैं। देयर आर सम डिफरेंट बैंक्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक, तो बेस्ड ऑन सिविल रेटिंग्स आजकल बैंक्स में डिसाइड होते हैं क्या रेट देने हैं। तो सारे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है क्या? मतलब डिफरेंशिएट करता है? डिफरेंशिएट है बिटवीन लाइक 30-40 पैसा का डिफरेंशिएशन। अच्छा, होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 840 से स्टार्ट होता है, 9% तक जाता है। अच्छा, उसमें अच्छा। जैसे सिविल रेटिंग है, हर बैंक ने अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, जिनको जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बताइए जैसे कि हमें ना सरकारी बैंक से लोन लेना चाहिए या हमें प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहिए? पर्सनली मैं अगर मैं 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में काउंट करूं तो प्राइवेट बैंक्स आर बेटर देन द गवर्नमेंट बैंक्स, क्योंकि वहां पे हैसल कम होता है लोन लेने में एंड एलिजिबिलिटी वाइज वी कैन गेट द हायर लोन्स फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बैंक्स। और प्रोसेस में फॉर एग्जांपल अगर 13 साल की चेन क्लियर होती है तो 13 साल की चेन प्राइवेट बैंक्स वाले लोन कर देते हैं, बट गवर्नमेंट बैंक्स में हम गए तो उसमें पूरी फ्रॉम द स्टार्टिंग चेन क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें कुछ मतलब वो 13 से और पीछे जाते हैं, ओरिजिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब से प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब से ओरिजिनेट होगी जब से पूरी आपको चेन मांगते हैं, और भी कई प्रोसेसिंग डिफिकल्टी होती है उसमें, प्रोसेसिंग टाइम लंबा होता है, प्राइवेट बैंक्स वाले जल्दी कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफर करता है प्राइवेट और सरकारी बैंक? आज की रेट में बात करें नॉर्मली नहीं डिफर करता है। आज की रेट में बात करें सरकारी बैंक लिटिल लोअर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। जो अप्रैल ऑनवर्ड्स प्राइवेट बैंक्स ने रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा। जो नॉर्मली 8.7 एवरेज रेट चल रहा है प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक्स में 8.40-8.50 बेस्ड ऑन सिविल वो लोग चार्ज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्राइटेरिया रहता है। So, कितने टाइम तक आप होम लोन ले सकते हैं? होम लोन का जो मैक्सिमम पीरियड बैंक्स देती है दैट इज फॉर 30 इयर्स। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन एज, आपकी रिटायरमेंट एज अगर सैलरी, तो ये सारे बैंक में एप्लीकेबल है 30 इयर्स का ही टाइम पीरियड। 30 इयर्स फॉर सैलरीड और 20 इयर्स फॉर बिजनेसमैन। ओके ओके, जो मैक्सिमम पीरियड बैंक ऑफर करती है। मैक्सिमम पीरियड रहता है। हाँ। अच्छा, सो होम लोन पे इंटरेस्ट क्या लगता है, और ये कुछ फ्लोटिंग और फ्लैट इंटरेस्ट भी होता है ऐसा कुछ, तो उसके बारे में आप हमें बताइए प्लीज। तो इंटरेस्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया, 8.40 का जो रेट है नॉर्मल वहां से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू 9% बेस्ड ऑन सिविल। अब जो फ्लोटिंग और फिक्स की बात करें तो फ्लोटिंग का मींस के व्हाटएवर अमाउंट यू आर यूटिलाइजिंग उस पर आप इंटरेस्ट देते हो। पहले के टाइम में जो पहले आपने लोन लिया टोटल इंटरेस्ट काउंट करते थे और ओवरऑल इयर्स और उसको डिवाइड करके आपसे लेते थे 20 इयर्स में। आज के डेट में आपने आज लिया, आपने ईएमआई पे की, ईएमआई
कंसिस्ट ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो जो प्रिंसिपल उसमें से माइनस होगा देन नेक्स्ट मंथ यू आर पेइंग ऑन द बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट. ओके ओके ओके. हां तो उसमें आपका मतलब मींस यू आर पेइंग लेस एज कंपेयर टू अर्लियर. तो क्या बेटर रहता है, फिक्स्ड पे जाना या फ्लोटिंग पे जाना? अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है मार्केट में तो फिक्स पे जाना बेटर होता है, अदरवाइज फ्लोटिंग इज बेटर. अगर आपको सिनेरियो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो यू कैन गो ऑन फिक्स, वी कैन गो ऑन फिक्स, अदरवाइज फ्लोटिंग में आपको. तो सपोज आप मुझे ये बताइए कि मेरे को एक घर लेना है, तो बैंक मुझे किस बेसिस पे जज करेगी कि मैं जाऊं बैंक में और मैं बोलूं कि मुझे घर लेना है? तो ऐसे ही तो बैंक मुझे लोन देगी नहीं, तो बैंक कैसे जज करती है कि इसको लोन लेना है या नहीं लेना? इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं बैंक के लोन देने के. एक आपकी रीपेइंग कैपेसिटी, जो आप लोन लेते, आप जो लोन ले रहे हो उसकी आप रीपेमेंट कर सकते हो कि नहीं इजिली. और सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, LTV बोलते हैं, लोन टू वैल्यू, तो बैंक देता है. तो रीपेइंग कैपेसिटी में बैंक आपकी इनकम देखता है, जैसे सैलरी के केस में आपकी सैलरी कितनी आ रही है, बिजनेस मैन के केस में आप कितने की ITR फाइल करते हो, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन उस पर एक. और दूसरा आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, जैसे बैंक नॉर्मली 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन देती है, विच एवर लोअर इसमें अप्लीकेबल होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर कम हो गई अगर इसमें, तो आपकी विच एवर लोअर वाला फंडा चलता है. अच्छा अच्छा अच्छा. सपोज मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है घर लेने के लिए, 30 लाख की EMI मैंने पे कर दी. अब जब बात 20 लाख की आ रही है तो मेरे पास पैसे नहीं है जी, अब मैं बैंक पे जाऊंगी, मैं बोलूंगी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस केस में बैंक मेरे साथ क्या करे, मतलब कोई एक्शन लेगी? क्योंकि मेरे तो प्रॉपर्टी के कागजात भी बैंक के पास है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में बैंक आपसे पहले EMI के लिए फॉलोअप करता है, फिर 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का पीरियड होता है डिपेंडिंग अपॉन लीगलिटी. उसके बाद बैंक को आपको नोटिस भेजता है, मतलब 6 महीने 7 महीने तक बैंक पहले हमें वो करता है, फॉलोअप करती रहेगी. 180 डेज का जो NPA वाला प्रोसीजर होता है, उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजता है, उसके बेसिस पर लीगल केस चलते हैं, फिर वो सरफेसी एक्ट वगैरह लगता है, फिर उसके बाद बैंक उसमें ऑक्शन में प्रॉपर्टी सेल कर सकता है या किसी को सेल कर सकता है प्रॉपर्टी, और आपके आपके पैसे अपने पैसे रिकवर करके बैलेंस आपको दे देता है. मतलब जो मैंने 30% सपोज मैंने 30 लाख पे किए तो मुझे क्या अमाउंट मेरे पास रिटर्न आ सकता है, एक लम सम आप मुझे वो? बैंक्स अपने पहले इंटरेस्ट और अपने प्रिंसिपल की रिकवरी करके जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस बचेगा वो आपको बैंक अपना दे देगा. या नॉर्मली नॉर्मल केस में जो होता है, बैंक्स आपसे ही प्रॉपर्टी सेल करवा के और आपसे ही लोन की रीपेमेंट करवा देता है, जो प्रैक्टिकली होता है. ऐसे बहुत बड़े वाले लोन में ही बैंक प्रॉपर्टी करके ऑक्शन करता है. अच्छा, छोटे अच्छा. वाले केसेस में नॉर्मल प्रैक्टिकल में नहीं होता है, नहीं होता है. उनसे की सेल करवा देते हैं. सो नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कि हमें, मैंने सुना है कि हमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं होम लोन. हाँ, इसमें प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिनके भी नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको अप टू 2 लाख पर इंडिविजुअल आपको टैक्स रिबेट मिलता है. सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे ले रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर अर्निंग, तो दे कैन क्लेम 2 लाख ईच, मैक्सिमम 4 लाख दे कैन टैक्स रिबेट, सब्जेक्ट टू 4 लाख यू आर पेइंग इंटरेस्ट यू आर पेइंग. लोअर होगा तो आपको लोअर मिल जाएगा उसके 3 लाख. बेनिफिशियल है नीड लोन लेना. सपोज अब किसी बंदे को होम लोन लेना है, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है, तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे, कि क्या क्या प्रायोरिटीज पे रख के होम लोन लेना चाहिए? एक तो जो बैंक, जो लोन लेने से पहले जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं वो देखना होता है कि वो प्रॉपर करेक्ट पेपर है या नहीं है, उसकी पूरी चेन है जिसके बेसिस पे उसको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, प्रीवियस चेन्स वगैरह, उसमें कई बार डिस्प्यूट निकल आते हैं. तो आपने अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई तो वो प्रॉब्लम आती है. इसलिए बेस्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप बैंक से ले लो, बैंक डू ऑल द थोरो चेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी पेपर्स. मतलब अगर हम, मेरे पास पूरा अमाउंट है तो भी मैं कुछ अमाउंट बैंक से लोन लेके ही मैं लूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब एक सारी हिस्ट्री निकाल लेगा बैंक. हाँ, बैंक सारी हिस्ट्री निकाल लेगा. हाँ, बैंक आपको बता देगा ये पेपर मिसिंग है. हाँ, विच आर एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. लाइक मैंने जो पहले भी बोला था कि 13 ईयर. हाँ, की चेन वाली कहानी, तो 13 ईयर तक चेन अगर क्लियर हो तो समटाइम इट इज एक्सेप्टेबल, अगर ओरिजिनेशन से नहीं भी है चेन. हाँ जी, हाँ जी. होम लोन के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक टर्म आया मेरे सामने, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर. तो ये क्या होता है बैलेंस? बैलेंस ट्रांसफर में ऐसा होता है कि सपोज आपका लोन किसी बैंक से चल रहा है और फॉर एनी रीजन दैट बैंक इज चार्जिंग यू हायर इंटरेस्ट रेट और यू वॉन्ट एडिशनल लोन एंड दैट बैंक इज नॉट गिविंग यू एडिशनल लोन, तो यू कैन मूव टू अनदर बैंक फॉर टेकिंग द हायर लोन अमाउंट और फॉर लोअरिंग योर इंटरेस्ट रेट. तो सपोज नहीं, आपने एडिशनल बोला, अगर मैं एडिशनल ना लेना चाहूँ और फिर भी मैं ट्रांसफर करना चाह रही हूँ बिकॉज इसका इंटरेस्ट ज्यादा, सपोज ये मुझसे 9% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दूसरे बैंक 8% कर रहा है, तो उस केस में क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे एडिशनल ना भी लेना होगा? हाँ, मैक्सिमम लोग जो सैलरीड क्लास है, एटलीस्ट
ट्रांसफर करवाते हैं, इंटरेस्ट रेट के कारण ही करवाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक। तो मतलब ये सपोज मैंने एक बैंक से ले लिया, बट मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बैंक में क्या चल रहा है, क्या वो मुझे अपडेट। हाँ, वो क्वार्टरली रिव्यू कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स का क्वार्टरली रिव्यू करते हैं सारे, उनका क्या रेट ऑफ चल रहे हैं बेस्ड ऑन वी सजेस्ट। तो वो कुछ बैंक अमाउंट भी लेता होगा उसका मतलब, या फिर बैंक कर देता है? प्रोसेसिंग फीस होती है, नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस होती है, वो बैंक को देनी पड़ती है, लेकिन आपका बेनिफिट्स ज्यादा होता है कि यू आर गेटिंग लो फॉर हायर टेन्योर बेनिफिट्स इज फॉर प्रोसेसिंग फीस वन टाइम। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए आप मुझे व्हाट इज होम ओडी प्रोडक्ट एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट। होम ओडी प्रोडक्ट इज लाइक होम ओवरड्राफ्ट। होम ओवरड्राफ्ट का मींस ये होता है कि हमारे पास जितने पैसे हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने 2 करोड़ का हमारे पास है, हमने 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली, तो अगर आप चाहो कि लोन नहीं ले, मैं क्यों लोन लूँ, क्यों ई एम आई भरूँ, तो यू कैन गो सजेस्ट टू गो फॉर द होम ओडी प्रोडक्ट। होम ओडी प्रोडक्ट में अलॉन्ग विद द होम लोन वी ओपन ए अकाउंट दैट इज कॉल्ड ओडी अकाउंट। उसमें वट एवर मनी यू कीप उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आपने अगर 1.5 CR का लोन लिया है और आपने उसमें पूरा 1.5 CR ही पार्क कर दिया है, तो बैंक्स आपको सिर्फ आपको प्रिंसिपल आपको रीपेमेंट लेगी, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो रहा है। अच्छा, और दैट 1.25 का जो आप कह रहे हैं उतने पूरे पे। हाँ, पूरे पे। और वो और आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अमाउंट आप अपने कभी भी इमरजेंसी में या कभी यू कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट। मींस आप FD में वो अमाउंट रखते हो तो FD में 6-7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपने 9% पे लोन लिया है तो यू आर अर्निंग 9% और सेविंग इक्वल टू अर्निंग, यू आर अर्निंग, हाँ, तो यू आर अर्निंग 9% ऑन दैट इज टू टैक्स फ्री। अगर आप FD करते हो तो FD में आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको, और ये टैक्स फ्री आपका सेविंग होती है। तो आई विल सजेस्ट कि इंस्टीड ऑफ कीपिंग द अमाउंट इन FD कैन टेक ए होम ODL अकाउंट अलोंग विद योर होम लोन एंड यू कैन पार्क योर FD अमाउंट इनटू दैट। किस टाइप के क्लाइंट्स को आप ये ज्यादा रिफर करते हैं? जो HNI क्लाइंट्स हैं, जिनके पास मतलब FD, जो FD में पैसे रखते हैं, या जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा हैं। सपोज कोई एग्जांपल के लिए किसी का मंथली सैलरी 10 लाख रुपीज है, इज नॉट गोइंग स्पेंड ऑल 10 लाख इन डे और सो, तो जैसे ही सैलरी आई तो हमारे क्लाइंट्स अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और रेगुलर निकालते रहते हैं। उस अकाउंट में हर फैसिलिटी होती है, दे कैन विदड्रॉ द अमाउंट एनी टाइम वीक, दे कैन सो उसमें टाइम टू टाइम निकालते हैं। तो एवरेज बैलेंस जितना भी है, सपोज 5 लाख एवरेज बैलेंस है, 5 लाख का आपने 9% का इंटरेस्ट पर अर्निंग कर ली, अगर हम बात करें सिंपल सिंपल टर्म में। चलो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं इससे सुन रहे हैं, तो आप प्लीज इस चीज पे गौर फरमाइएगा कि आप अगर ऐसा कुछ होम ओडी प्रोडक्ट पे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई लोन लिया है 25 साल के लिए और अब मेरे को लग रहा है कि मैं ये EMI 25 साल की जगह 10 साल में कंप्लीट कर सकती हूँ, तो बैंक मुझे ये करना अलाउ करेगी या नहीं करेगी? इसमें बैंक टू बैंक कई डिफर होता है। सपोज आपको अगर कम टेन्योर में डिफर करना है तो कुछ बैंक्स तो आप एप्लीकेशन देते हो सीधा वो कर देती है, कुछ बैंक्स में एलिजिबिलिटी का इशू आता है कि बैंक्स से कि आपने हमने 25 साल के लिए लोन दिया था, अब नाउ यू कैन पे इन 10 ईयर्स, तो यू शुड शो योर एलिजिबिलिटी की एज पर योर इनकम यू कैन पे इन 10 ईयर्स। तो हम बैंक्स को अपनी इनकम डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, तो उसके बेसिस पर रीअसेसमेंट होता है और आपका टेन्योर कम हो जाता है। तो होता है मतलब ऐसा पॉसिबल है, हाँ, कुछ प्रोसेस के अंदर आपको जाना होता है। थर्ड सिनेरियो में हम उसको ट्रांसफर करवा के दूसरे बैंक में करवा सकते हैं, अगर सेम बैंक थोड़ी प्रॉब्लम करती है, हाँ, तो उसमें हम टेन्योर कम करवा सकते हैं। सो गाइज जितनी भी बातें मुझे लगता है कि प्रभात जी ने बताई है आपको, आपके बड़ी काम आएंगी ये सारी बातें, और होम लोन से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें आज की है, बहुत सारे इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है इसके रिलेटेड। तो और कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ, एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।